जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मैक्सिमा मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3-2 सॉल्व किए थे, आज उसी के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 6 और 7 उसी तरह से है, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके क्लोज इंटर वाले थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपसे क्या कह रहा है कि एट वॉट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2π डज द फंक्शन साइन 2x अटेंस इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी क्लोज इंटरवल का कोई क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप फंक्शन को fx एज्यूम करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, तब आइए हम लोग खुद शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका फंक्शन, हमने मान लिया कि ये फंक्शन हमारा fx जो है fx इज इक्वल टू हमारा साइन 2x दिया, इट इज़ अ गिवन, ठीक। और यहाँ पे x बिलोंग टू है क्लोज इंटरवल 0 to 2π, ठीक। हम क्या करेंगे मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 cos 2x, ठीक। और फिर क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन होता है f डैश उसको 0 से इक्वेट कर लेते हैं। क्यों इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये पता करते हैं कि आखिर वो कौन सा पॉइंट है जिस पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो f डैश x का मतलब 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 0 से इक्वेट कर लिया, तो ये 2 cos 2x इज इक्वल टू 0 हो गया। 2 तो 0 होगा नहीं, इट मीन्स cos 2x इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखिए आप x बिलोंग टू दे रखा है 0 से 2π, लेकिन इसका जो एंगल है ना यार, ये 2x है। तो जब आप इसको 2x करोगे तो 2x हो जाएगा 0 से लेके 4π, क्लियर। अब आइए शुरू करते हैं सवाल को सॉल्व करना। अगर ये हमारा इतना आ गया, इसके बाद हम क्या करें कि यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा आप ऐसे, तो cos 2x इज इक्वल टू 0, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि cos 0 कब कब होता है, अच्छा बताइए आप। तो cos हमेशा 90 के ऑड मल्टीपल पे, मतलब यहाँ पे 0 होता था और यहाँ पे 3π/2 पे 0 होता था, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, तो कैसे पता करेंगे कि 0 से 4 पाई के बीच में कब कब होगा, तो एक तो आपका 2x आ गया, सबसे पहले वैल्यू तो π/2 आएगी, पहला काम। इसके बाद 3π/2 होगा, तो ये कब होगा, जब आप फर्स्ट राउंड घूमोगे 0 से 360। लेकिन जब 360 के बाद फिर से जब आप ऐसे गोल गोल घूम करके यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे आपका 3π/2 है, इसमें पाई जोड़ देंगे तो ये 5π/2 हो जाएगा। तो अगला पॉइंट हमारा हो जाता 5π/2, मतलब ऑड मल्टीपल होता है, और फिर हो जाता 7π/2। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जब इतना हो गया तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जब इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे करके, तो देखिए जरा सा यहाँ तक आ गए हम लोग, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, जब आप इसको करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितने मिल जाएगी, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा π/4, 3π/4, यहाँ से 5π/4, और ये हो जाएगा 7π/4। बट आपको पता है कि बट x बिलोंग टू हमारा था 0 से 2π, और जब भी क्लोज इंटरवल होगा तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर जब जिन पॉइंट पे डिस्कस करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो x की वैल्यू 0 भी आएगी, π/4 भी आएगी, 3π/4 भी आएगी, 5π/4 भी आएगी, और ये 7π/4 भी आएगा। यहाँ तक तो आ गया हमारा। इसके बाद अगर हम आगे फिर कंटिन्यू सवाल को अगर बढ़ाना चाह रहे हैं ऐसे करके, तो देखिए जरा सा यहाँ पे आएंगे। अब मेन काम क्या करना है कि जब इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम क्या करेंगे, इन सब पे चेक करेंगे कि किस पे ये मैक्सिमम आ रहा है, किस पे मिनिमम आ रहा है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर नहीं चेक करना है क्लोज इंटरवल पे। आपका ये सिंस क्या था, देखो सिंस हमारा fx जो था, आवर फंक्शन fx हमारा ये था साइन 2x, हमें इसी पे चेक करना था साइन 2x पे ही। तो जब साइन 2x पे चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सब पे चेक कर लेंगे। सबसे पहले f0 पे चेक करेंगे, तो ये हमारा हो जाता है साइन 0 होता है। इसके बाद आप π/4 पे चेक करोगे, तो जैसे आप x की जगह π/4 लिखोगे आप ऐसे, तो ये 2 into π/4
तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये पाई बाई टू आ जाएगा। तो साइन 90 हमारा 1 होता है। इसके बाद आप 3 पाई बाई 4 पे चेक करोगे, तो जैसे आप एक्स जगह 3 पाई बाई 4 लिखोगे तो ये साइन 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस 1 होती है। फिर अगर हम आगे बढ़ें अगर ऐसे, तो फिर आप देखिए इसके बाद 5 पाई बाई 2 पे चेक करिए आप ऐसे, तो अगर आप 5 पाई बाई 2 लिखते हो, सॉरी 5 पाई बाई 4 लिखते हो, तो जब 5 पाई बाई 4 लिखोगे ऐसे, तो यहाँ पे ये आपका साइन 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। और साइन 5 पाई बाई 2 क्या होता है हमारा, ये आपका प्लस 1 होता है। इसी तरह से अगर हम x 7 पाई बाई 4 लिखते हैं इस तरह से, तो 7 पाई बाई 4 लिखेंगे अगर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा साइन 7 पाई बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू हमारी माइनस 1 आती है। इसके बाद लास्ट में जो हमारा आएगा, लास्ट वाला जो आएगा, आप क्या करोगे f पाई पे निकालोगे। जब आप f 2 पाई पे पता करोगे बेटा, f 2 पाई पे पता करोगे, तो यहाँ पॉइंट था, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा छूट गया था 2 पाई, तो अगर 2 पाई पे करता है तो f 2 पाई पे जब अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो ये देखिए जरा सा, तो यहाँ पे जब आप 2 पाई पे पता करोगे इसको, तो ये 2 पाई आपका होगा ऐसे, तो ये 2 पाई आ गया आपका। तो 2 पाई कितना होगा, तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे ऐसे, तो ये 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई हमेशा 0 होता है। तो इसी से आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा, अब ये बताइए, आपको कंक्लूजन ये मिलेगा। तो इसको हमने देख लिया ऐसे, तो देखिए कब मैक्सिमम आ रहा है और कब मिनिमम वैल्यू आ रही है, अब ये आपको बताना है इसमें। तो देखो यहाँ से मिनिमम कब आ रहा है आपका इसमें, जब इस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी माइनस वन आ रही है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, आप जरा सा आप क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, आपसे क्या कहा था क्वेश्चन में, आपसे ये कह रहा था सीधा क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन साइन 2x अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो आप जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ऐसे, तो क्या करोगे आप देखिए ध्यान से, जब आप इस क्वेश्चन पे आ रहे हो, तो देखिए यहाँ पे आपको कब कब मैक्सिमम मिल रहा है चेक कर लीजिए। तो आप क्या देख रहे हो कि एक तो वैल्यू हमें यहाँ मैक्सिमम मिल रहा है और एक वैल्यू हमें यहाँ मिल, तो बस आंसर लिख देंगे, तो 10 आप लिखोगे एफ एक्स इज मैक्सिमम कब, मैक्सिमम कब एट एक्स इज इक्वल टू, एक हमारा पाई बाई 4 आ रहा है और दूसरा हमारा 5 पाई बाई 4 आ रहा है, इन्हीं दोनों पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, वो हमारी प्लस 1 आ रही है। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इट इज गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो साफ साफ कह रहा है कि अगर ये फंक्शन 0 से 2 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो या तो कॉर्नर पॉइंट 0 होगा या तो 2 होगा, या तो 0 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे, तो पहले तो देखो आपका फंक्शन क्या है, आवर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपका है एक्स टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9, हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, इंटरवल है 0 से 2 के बीच में, और ये कह रहा है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है, और 0 और 2 के बीच में 1 हमारा है। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स। When you differentiate this, it is a 4x cube minus 124x plus a आ गया आपका। Let us suppose that it is a 2. फिर क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि since है ना fx attain its maximum value एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब f डैश 1 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन में आप क्या करोगे, x की जगह 1 लिख दोगे, तो ये जगह 4 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू
जीरो। आप इसको सॉल्व करिए, जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पे आ गया -120 आएगा और प्लस ए आएगा, तो इज इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें ए इज इक्वल टू 102 मिल जाएगा, यही हमें पता करना था। इट इज़ अ वैल्यू ऑफ ए, बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्लियर। तो ये कह रहा था अगर एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है तो एफ डैश 1 हमारा 0 के बराबर होगा। ओके चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद आइए देखा जाए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2π। तो ठीक जैसे भी हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 8 वहाँ भी साइन 2x था, यहाँ भी साइन 2x है, बस इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो आगे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखा जाए। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि लेट हमारा जो फंक्शन है वो, लेट आवर फंक्शन एफ एक्स, ये आपका ऐसे दे रखा है एक्स प्लस साइन 2x, लेट अस सपोज दैट इट इज़ ए 1। आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 2x, ठीक। और फिर क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग बार बार एक ही काम करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देते हैं। जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 2x इज इक्वल टू 0। तो दिस गिव्स अस कॉस 2x इज इक्वल टू -1/2। अब फिर से देखो बेटा, एज आपको दे रखा है एक्स बिलोंग टू 0 to 2π, एक्स की वैल्यू हमारी 0 से 2π के बीच में दे रखी है। ऐसे अगर 0 से 2π दिया है, दिस इज 0 और ये हमारा 2π है, तो अब जबकि यहां पे इसके एंगल में 2x आ रहा है, तो तुरंत आप क्या करोगे, इस 2x को पता कर लोगे, तो 2x जो हो जाएगा 0 से 4π हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो एकदम क्लियर आपको आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को बड़े बढ़िया से लगा सकते हो। मतलब 2x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में है। अच्छा बताओ कॉस हमारा नेगेटिव कब कब होता है, तो ध्यान से अगर देखिए हम लोग अगर कॉस की बात करें तो देखो आप, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कॉस हमारा नेगेटिव होता है, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और एक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। और फिर आपने यहाँ पे एक फार्मूला एन पाई पढ़ा होगा, एन पाई माइनस अल्फा यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है एन पाई प्लस अल्फा, कब, कि जब ये n जो होता है आपका ये ऑड होता है, वेर इट इज ए ऑड, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू, बहुत काम की चीज आपका है। ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, बस यहीं पे कॉस हमारा नेगेटिव था तो सेकेंड और थर्ड में, और जैसे इसकी वैल्यू आपको पता करनी है तो अब कैसे आप पता करोगे कि वो कौन सी वैल्यू आ रही है, तो कॉस नेगेटिव हमारा होता है 2x इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ से 2x की वैल्यू, पहली वैल्यू कितने मिलेगी, देखो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे जो अल्फा आपका था 60 मतलब पाई बाई 3 हो जाएगा। जब पाई बाई 3 हो जाएगा तो यहाँ पे पहली वाली वैल्यू कितने मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको पाई माइनस पाई बाई 3, पहली वैल्यू मिल गई, दूसरी मिलेगी पाई प्लस पाई बाई 3, क्लियर। और इसके बाद जब जो अगर मान लो ये पहली वैल्यू मिल गई तो फिर एक चक्कर घूम करके आओगे यहाँ पे, तो ये पाई आएगा, तो यहाँ 2π आएगा, फिर यहाँ 3π आ जाएगा, तो अगली वैल्यू कितनी मिलेगी, 3π - π/3। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको आएंगी तो डाउट नहीं होगा बेटा, और बिना रट्टा फट्टा मारे आप सवाल लगा दोगे। ऐसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिला, व्हाट डू यू गेट, सी दिस, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये मिल जा रहा है आपका 2π/3, 120 डिग्री, फिर यहां से मिल जा रहा आपका 4π/3, यहां सॉल्व कर रहे हैं तो ये 9 - π आ रहा, तो ये 8π/3 आ जा रहा, कितना 9π आएगा हमारा, और ये 9 8π/3 आ गया। ऐसे इसके बाद अगर आप आगे नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो ये हमारा 10π/3 आ गया,
तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज अ वैल्यू ऑफ 2x। लेकिन अब हमें क्या करना है यार, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x आपका कितना आएगा, तो जब आप करोगे तो पहली वैल्यू आपको मिलेगी पाई बाई थ्री, दूसरी वैल्यू मिलेगी 2π/3, तीसरी वैल्यू मिलेगी 4π/3, चौथी वैल्यू मिलेगी 5π/3। लेकिन ध्यान देना, बट आपको दिया है x बिलोंग टू 0 to 2π, ये क्लोज इंटरवल है। तो देयर फॉर पता क्या होगा, देयर फॉर जो पॉइंट्स होंगे हमारे मैक्सिमा मिनिमा के लिए, एक 0 होगा, पाई बाई 3 होगा, 2π/3 होगा, 4π/3 होगा, 5π/3 होगा, और आपका 2π भी होगा। तो ये पॉइंट हमारे हैं, ये पॉइंट हमारे हैं आर द पॉइंट्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यही हमारे पॉइंट होंगे। ये क्या है, आर द पॉइंट्स, ये हमारे हैं आर द पॉइंट्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, हर वैल्यू को फंक्शन में लिख दोगे। तो आपका फंक्शन एफ एक्स ये था, एफ एक्स इज इक्वल टू आपकी वैल्यू ये थी x प्लस साइन 2x। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू बारी बारी से लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे तो ये 0, ये साइन 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गए पहले वैल्यू। इसके बाद क्या करेंगे आप, x की जगह पे पाई बाई 3 लिखोगे ऐसे। जब आप पाई बाई 3 लिखोगे तो यहाँ पे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका साइन 2π/3 आएगा, साइन 2π/3। और जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये पाई बाई 3 आता है, और 2π/3 120 डिग्री होता है, साइन 60 की वैल्यू आपकी अंडर रूट 3/2 होती है। इसके बाद फिर आगे जब बढ़े हम लोग अगर ऐसे, तो अगली वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये इसके बाद पाई बाई के बाद 2π/3 निकालेंगे। अगर आप 2π/3 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा 2π/3, और ये आपका आ जाएगा साइन 4π/3। 4π/3 240 डिग्री होता है, और साइन 240 जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये माइनस में आ जाएगा आपका 60। इसी तरह से फिर आप एफ 4π/3 की वैल्यू निकालोगे, तो हमारा 4π/3 की वैल्यू निकाल लेंगे अगर हम लोग, तो 4π/3 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ, हाँ ठीक है, 4π/3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये कितना आएगा आप देखिए जरा ध्यान से, 4π/3 का मतलब कितना होगा आपका, यहाँ देखो, तो यहाँ तो लिखेंगे 4π/3, और प्लस यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 8π/3, कितना हो जाएगा 8π/3। अच्छा बताओ, ये तो 4π/3 आ रहा आपका, ठीक, और 8π/3, पाई बाई 3 60 होता, 800 आएगा, तो ये कितना आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये आप ध्यान से बताइए जरा सा, 8π/3 की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, ये भी आपकी अंडर रूट 3/2 ही आएगी, प्लस अंडर रूट 3/2 आएगा, अल्टरनेट आता जाएगा। इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है 5π/3 की। जब 5π/3 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे तो ये 5π/3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये साइन 10π/3 होगा आपका, साइन 10π/3, यहाँ पे ये आपका 10π/3 होगा, 10π/3, और जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो 5π/3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये माइनस, ये आएगा प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा अंडर रूट 3/2, ये जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हमारा माइनस में आ गया। इसके बाद अभी एक पॉइंट और बचा था आपका, कौन सा, लास्ट वाला 2π। अब यहीं पे हम कंक्लूजन निकाल लेंगे अपना। जब आप कंक्लूजन निकालोगे तो यहाँ पे तो 2π आ गया, और प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 4π। अच्छा बताओ, 2π ये आ गया, 4π तो 0 होता है। अब इन सब में सबसे ज्यादा और सबसे कम कितना था? एक चीज तो क्लियर है यार, देखो सबसे कम तो यहीं पे आया है हमारा मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू आई है, और मैक्सिमम वैल्यू अगर आप इन सबको सॉल्व करते ना तो 5π/3 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता ऐसे, 4π ये भी कुछ आता, यहीं पे इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही। तो इससे कंक्लूजन ये निकलेगा हमारा कि इस पूरे फंक्शन का जो वैल्यू हमारी आएगी, पूरे फंक्शन की वैल्यू जो आएगी आपकी, तो मैक्सिमम हमारी यही वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू हमारी, ये 2π जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है
कब आ रही है? कि जब ये फंक्शन हमारा, ये फंक्शन मैक्सिमम तब आ रहा है हमारा ऐसे, कब? कि जब ये हमारा, ये मैक्सिमम 2 पाई आ रहा हमारा, क्लियर। तो ये मैक्सिमम कब आ रहा है? एक्स बराबर 2 पाई पे मैक्सिमम वैल्यू भी 2 पाई ही आ रही है। तो इस पूरे फंक्शन से कंक्लूजन आपने क्या निकाला कि अगर इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए अपना, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि इसकी वैल्यू कब आ रही थी। तो x प्लस साइन 2x की मिनिमम वैल्यू 0 पे आई थी और मैक्सिमम वैल्यू 2 पे। और मेथड वही है, जब भी क्लोज इंटरवल दिया रहा है आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, 0 से इक्वेट करो और क्लोज इंटरवल के अलावा उनके बीच में जितने भी पॉइंट उनको पता कर लो और सबकी वैल्यू एफ एक्स में आप पुटअप कर दो। एक ही तरह के क्वेश्चन है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब है, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम धीरे धीरे वर्ड प्रॉब्लम की तरफ इंटर कर रहे हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको एग्जाम्पलर से। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो एक चीज ध्यान रखो कि ऐसे तो हमको पता है कि दो नंबर का सम पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ऐसे बहुत से इंटीजर्स एक्स वाई जिनका सम 60 आएगा, लेकिन हमें उन्हीं नंबर को पता करना है कि जब एक्स वाई क्यूब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखो हमने लिख लिया ऐसे कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया था कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये तो दिया था ऐसे। फिर हमने मान लिया कि लेट ये जो था ना, ये इसका हमने नाम मान लिया ये पी हमारा है, दिस इज एक्स वाई क्यूब। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो वर्ड प्रॉब्लम जब भी दिखाना, तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमें इस पी को मिनिमम दिखाना है और डेरिवेटिव करते जब मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है तो किसी एक के रिस्पेक्ट में या तो x या तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हम p को या तो वेरिएबल x में बदल लेंगे या तो वेरिएबल किसी एक में बदल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी एक में बदलने के लिए हम फ्रॉम वन x में बदले चाहे y बदले। तो हमने क्या किया कि इस x की जगह पे हमने लिख दिया 60 माइनस वाई फ्रॉम वन पुट, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, पुट करिए या सब्स्टिट्यूट लिखिए, पुट x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपको p कितना मिलेगा, व्हाट डू यू गेट इन प्लेस ऑफ p? तो ये मिलेगा x की जगह लिखेंगे 60 माइनस वाई और ये हो गया आपका वाई क्यूब। तो आप देख रहे हो कि ये p जो है वेरिएबल इस पे डिपेंड करता है। तो हम इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते थे, सिंपली इसको p लिख लेते, सिंस इट इज अ फंक्शन इन वेरिएबल y, तो हम इसको fy कर लेते। fy इज इक्वल टू ये y क्यूब आ रहा है, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते बेटा हम तो 60 y क्यूब माइनस y की पावर 4 आ गया, ठीक, ये हमने बना। अब हम क्या करें, अगर इसको एज्यूम करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन थर्ड हमने एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट, क्योंकि वेरिएबल वाई हमारा है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया एफ डैश वाई, या हम डी पी अपॉन डी वाई लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 60 आएगा और वाई क्यूब का होता है 3y² और 4 का हो जाएगा 4y³, क्लियर। और इसके बाद क्या करना है, बस आपका सवाल लगभग लग गया है। फिर यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे हम लोग, इस फंक्शन को एफ डैश वाई को 0 से इक्वेट कर देंगे। व्हेन वी इक्वेट इट टू 0, तो जैसे आप इक्वेट करोगे 0 से, तो ये आपका 180y² माइनस 4y³ इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा बता इससे क्या कॉमन मिल गया, देखो 4y² अगर कॉमन ले लेते तो 180 को 4 से डिवाइड करते तो हमको लगता 45 आता, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो 0 होगा नहीं, तो एक तो वैल्यू y की 0 मिलेगी और दूसरी वैल्यू आपकी y इज इक्वल टू 45 मिल गई। तो इससे y बराबर 0 लिखेंगे तो ये सब तो पूरे मेहनत ही बेकार हो जाएगी, तो हम इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा 10y इज इक्वल टू 45 इज ए पॉइंट, यही होगा पॉइंट फॉर
मैक्सिमा और मिनिमा, यही पॉइंट हमारा मैक्सिमा या मिनिमा के लिए होगा। अब हम क्या करें, अगर इसको और सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन जो था ना, हम लोग इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। मैक्सिमा मिनिमा मिल गया, अब ये कैसे चेक करेंगे कि इस पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, अगर हम इस इक्वेशन को डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एफ डबल डैश वाई करते अगर, तो एफ डबल डैश वाई कितना मिलता है आपका, देखो 180 इंटू वाई माइनस ये आपका 12y² आ गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि यहीं पे इस वैल्यू को पुट अप कर दोगे। नाउ पुट y = 45। जब आप इसमें रखोगे तो y" 45 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जब y" 40 का होगा तो ये आपका 180 × 45, यहाँ पे 12 × 45 का होल स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करना है तो देखिए आप ध्यान से, अगर हम यहाँ से 45 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा 180 आएगा और यहाँ -12 × 45 आएगा, और आपको पता है कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो कुल मिला जुला के ये हमारी वैल्यू नेगेटिव आ गई, हमारा काम बन गया है। मतलब यहाँ पे क्या मिल गया आपका, आप यही करोगे कि सिंस एफ डबल डैश 45y हमारा लेस देन जीरो है एट y = 45, तो देयर फॉर y = 45 इज ए पॉइंट ऑफ, क्या होगा हमारा, उल्टा होता है मैक्सिमा। मिल गया। एंड रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे आपके, एंड रिक्वायर्ड नंबर्स जो आपका है, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक हमारा मिल रहा है 45 और उन दोनों का सम 45 है, तो एक 15 मिलेगा और दूसरा हमारा 45 मिलेगा। और अगर आप उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट पता करना चाहते थे तो प्रोडक्ट में क्या लिखा था, वो x * y³ था, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो 15 × 45 का होल क्यूब। इससे ये पता चल जाता कि ऐसे वो दो नंबर हैं जिनका सम तो हमारा 60 था और एक्स वाई क्यूब की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी। तो आपका क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिए, हमने क्या किया कि ये क्वेश्चन था x + y = 60 और हमें क्या करना था, एक्स वाई क्यूब को ही मैक्सिमम दिखाना था। तो x + y = 60 हमने मान लिया लेट p = this1। अब यहाँ पे दो वेरिएबल थे, एक्स किसी एक के रिस्पेक्ट में करना था, तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से एक्स की जगह पे 60 - y इक्वेशन 2 में लिख दिया, तो ये हमारा वेरिएबल y बल, तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये पूरा फंक्शन y में था, तो हमने इसको एफ वाई मान लिया या p भी लिख सकते थे। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करके हम वो मैक्सिमा मिनिमा, तो डिफ्रेंशिएट किया, जीरो से इक्वेट किया तो एक्स की वैल्यू 0 आई, 45 आ गई। ठीक। इसके बाद डबल डिफरेंशिएशन में y की जगह 45 लिखा, तो हमने देखा कि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 45 पे 0 से छोटी आ रही है, इसका मतलब y = 45 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम चाहे तो इस फंक्शन में रख सकते थे वैल्यू या वहां पे रखते। ओके, अब आइए कुछ और, इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। इसके बाद आप क्वेश्चन 16 को देखो, क्वेश्चन 16 देख रहे हैं आप, कह रहा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मैक्सिमम। तो ऐसे तो हमें बहुत से नंबर पॉजिटिव नंबर पता है जिनका सम 16 होगा, लेकिन हमें पहले नंबर और दूसरे नंबर का क्यूब जो है वो मिनिमम माना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, तो आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16। तो आप ऐसे मान लीजिए कि लेट आपका फर्स्ट नंबर या वन नंबर जो आपका पहला नंबर है, वन नंबर बी हमने मान लिया वो x है, तो देन अदर कितना हो जाएगा, अदर नंबर b वो पता है कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 16 - x, क्योंकि x और 16 - x का सम 16 आ जाएगा। फिर हम लोग मान लेते हैं कि लेट s हमारा क्या है, s क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि सम ऑफ वोज क्यूब इज मिनिमम, मतलब इन दोनों नंबर का क्यूब जो है वो मिनिमम आना चाहिए। तो हमने पहले नंबर और दूसरे नंबर का क्यूब कर लिया, हमने इसको इक्वेशन नंबर बना। अब तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल चुका है, हमें क्या करना है, इसी को मिनिमम दिखाना है।
तो मिनिमम दिखाने के लिए हम या तो एफ एक्स लिखें या तो यहीं पे सीधे लिख दें कि डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा डी एस अपॉन डी एक्स, ठीक। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x2। इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन, तो पहले आप 3 16 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर आएगा, और जब इन साइड करोगे तो 16 का 0 इसका माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे आप, तो कितना मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद, देखिए कुछ कॉमन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व किया जाए इसको। आइए देखा जाए कितना आता है, कुछ कॉमन लेने से कुछ मिल तो नहीं रहा है। चलिए इसको यहीं पे हम ऐसे छोड़ देते हैं कि ये 3x2, ये माइनस 3 × 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब यहीं पे छोड़ दीजिए आप, ठीक। इसको हमने लिख दिया इट इज़ ए डी एस अपॉन डी एक्स, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करेंगे, इस डी एस अपॉन डी एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे। जैसे ही आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट डू यू गेट, आपको क्या मिलेगा जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे, तो ये आपका हो गया 3x2, फिर माइनस ये है तो इज इक्वल टू, हम सीधे कर देते हैं 3, और ये हो जा रहा है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ इसको एक्सपेंड करिए 3x2, ठीक। यहाँ 3 से 3 कटा दीजिए, ये तो ख़त्म हो गया। अब 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और प्लस ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस 32x आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ से आपका 32x इज इक्वल टू 256 आ गया। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 256 अपॉन 32। अब आप ज़रा सा देखिए, जब इसको सॉल्व करोगे तो 32 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता बताइए, 32 × 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 and 25, मतलब 8 बार जा रहा है, तो ये तो हमारा 8 आ गया। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, तो यही मिल जाएगा सीधे सीधे कि 10x इज इक्वल टू 8 इज ए नंबर या पॉइंट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ तक तो आ गए हम लोग, ठीक। अब हम क्या करें कि अगर इसको और अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखिए जरा सा, अब यहीं पे हम लोग फिर से जरा बैक आ जाते हैं ऐसे, आप यहाँ पे अब क्या करो, दोबारा अगर आप कर रहे हो इसको ऐसे करके, तो अब यहीं पे हम क्या करते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएशन करते तो क्या मिलता आपका, तो ये आपका d2s अपॉन dx² आ जाता। जब आप इसको डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे ये 6x आएगा, और ये माइनस 3 × 2 × 16 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, केयर करिएगा, और इज इक्वल टू 6x + 6, और ये 16 − x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे इसी में पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 8 पुट अप करेंगे, तो d2s अपॉन dx² की वैल्यू कितनी आ रही, यही चेक करना आपको। तो यहाँ पे तो देखो ये 48 आ गया, यहाँ सॉल्व करोगे तो 6 और 16 − 8 तो 6 ये भी आ गया, तो कुल मिला जुला करके ये आपका 96 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो आप लिखोगे ना कि सिंस d2s अपॉन dx² इज ग्रेटर देन 0, तो देयर फॉर x इज इक्वल टू 8 इज ए पॉइंट फॉर, बस खाली लिख रहा है पॉइंट फॉर क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक। ये मिल गया आपका मिनिमम वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना था, अब ये है यहाँ तक तो हमने कर डाला, अब इसके बाद क्या होगा, जब इतना हो जाएगा हमारा बस, तो 10 नंबर क्या मिलेंगे आपको, 10 नंबर क्या मिलेंगे हमारे, 10 नंबर जो हमारे हैं, एक नंबर तो हमारा 8 आया है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था आपके कि उन दोनों नंबर का सम कितना था, 16 था, तो दूसरा भी हमारा 8 आ जाएगा।